हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों. माय नेम इज सुमित राठी. मैं वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है वाईफाई स्टडी यूपीएससी. सो दोस्तों, मॉर्निंग में हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है 7 से 8 बजे. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से, एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए. आप भी, मैं लाइव आ चुका हूं. टाइम जो है वो हो चुका है क्लास का. एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दो, लाइक तो करना ही है आपको, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप कर दोगे. और एडवांस में हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को. 3-4 दिन ये प्रोग्राम चलेगा हैप्पी दिवाली वाला, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. सो सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और इस दिवाली राजन जी का मानना है कि पटाखे जलाओ मत, जलाना है तो फैट जलाओ बॉडी का, जलाना है तो दीपक जलाओ, और जलाना है तो अपनी एक्स को जलाओ. एक्स को जलाओ नहीं, एक्स की जलाओ, ठीक है. ये मानना है किसका भाई? ये मानना है राजन जी का. चलिए कोई बात नहीं, आज बात कर लेते हैं दोस्तों करंट अफेयर की. करंट अफेयर में आज काफ़ी सारी न्यूज़ है हमारे पास, ज़रूरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. एक इंडेक्स भी रिलीज़ हुआ है, तो आज का जो करंट अफेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. जल्दी गाइज, एक बार जल्दी से आप लाइव आ जाइए, एक बार क्लास को सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल पाए. ओके, टेक्निकल कमी है कुछ, राजन जी ने ऑपरेट ढंग से किया नहीं आज, तो लैपटॉप चल नहीं रहा है, तो कमेंट्स में आपके देख पा नहीं रहा हूँ. देखते हैं थोड़ी देर में आपके कमेंट्स भी मैं देख पाऊँ. एक बार जल्दी से यार सभी लोगों को शेयर कर दो क्लास को कि हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है. गाइस, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं. आप एक बार सभी लोग जब आ जाओगे उसके बाद में स्टार्ट करूंगा आज की क्लास, आज का सेशन. चलिए एक बार सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि आप आ चुके हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, मेरे बाल जो खड़े हैं ये भी दिखाई दे रहे हैं. जल्दी से कमेंट कर दोगे एक बार. वैसे बाय द वे आज मैं नहा के आया हूं सुबह सुबह. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो, फर्स्ट आपका पहली जो न्यूज़ है हमारी, दिस इज़ द विश्व शांति स्तूपा. ठीक है, विश्व शांति स्तूपा क्या है इसके बारे में बताऊंगा. ये कुछ पगोडाज होते हैं, ये हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों. करंट अफेयर में है, करंट न्यूज़ में है, सो इट कैन बी आस्क्ड. सो क्या है विश्व शांति स्तूपा, ये हम देख लेते हैं. क्यों ये न्यूज़ में है वो भी देख लेते हैं. कॉन्टेक्स्ट अगर मैं इस न्यूज़ का बताऊं तो क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं वो आज बिहार में जाएंगे और एक एड्रेस, एक असेंबली को एड्रेस करेंगे. किस वजह से? क्योंकि जो ये विश्व शांति स्वरूपा जो राजगीर में जो है ये, इसके आपके 25 साल जो है इसका गोल्डन जुबली ईयर जो है वो सेलिब्रेट करना है, तो इसी चक्कर में जा रहे हैं वो. तो हमने देखना है कि विश्व शांति स्वरूप, विश्व जुड़ रहा है भाई, तो कुछ ना कुछ बड़ी चीज होगी, तो देख लेते हैं विश्व शांति स्वरूप. वैसे भी आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा. बात कर लेते हैं, हु बिल्ट दी स्तूपास, ये स्तूपास जो थे ये बिल्ट किसने किए, किसने बनाया. तो इनकी अगर मैं बात करूं तो निकित्सु फ्यूजी, ये जापानीज बंदे हैं. फ्यूजी सेट अप एन एग्जाम्पल फॉर द होल वर्ल्ड फॉर द पीस थ्रू द पगोडाज. इन्होंने क्या किया, देखो, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आपका जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, तो उस समय ये कुछ लोग थे जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी की आइडियोलॉजी पे चलते हुए एक पीस का मैसेज दिया, और उस पीस के मैसेज को अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड करने के लिए उन्होंने अलग अलग जगह पर इस प्रकार के स्तूप्स बनाए. ये बुद्धिज्म सेक्ट के फॉलोअर थे, बुद्धिज्म को मानते थे. उसी बुद्धिज्म की लाइन के ऊपर इन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 80 से ज़्यादा ऐसे पगोडाज या बोल सकते हैं स्तूपाज ये बनाए. और इनका पर्पज़ क्या था, यहाँ पर एक यूनिवर्सल पीस के लिए प्रेयर जो है, एक प्रेयर हॉल है जहाँ पर यूनिवर्सल पीस के लिए प्रेयर जो है वो ऑफर की जाती है. ये फ्यूजी बंदे जो हैं बेसिकली इन्होंने इसका ये मेन आर्किटेक्चर है, मतलब मेन इस पूरे पगोड़ा का जो ये वर्ल्ड पीस शांति, वर्ल्ड शांति स्तूपाज के जो हैं, तो वो पूरा आइडियोलॉजी जो है वो इन्हीं की है. और बेस्ड किस पर है आपका, मैंने बताया था ये आइडियोलॉजी जो है वो ली गई है मोहनदास करमचंद गांधी की आइडियोलॉजी से. ठीक है, तो इन अ सीरीज ऑफ एस्टैब्लिश पीस पगोडाज वर्ल्ड ओवर ही एस्टैब्लिश वन सच पीस पगोडा इन राजगीर विच इज ऑल्सो नोन एज द विश्व शांति स्तूपा. एक ये राजगीर में भी
स्थापित किया है जिसको हम विश्व शांति स्तूपा बोलते हैं, और ऐसा इंडिया के अंदर भी और भी जगहों पर है और दुनिया के अंदर बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार के पगोडाज जो विश्व शांति स्वरूप जो है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। दो ऑल दीज पगोडाज आर नॉट बिल्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ फ्यूजी, ये सारे के सारे जो है निचितू फिजी के अंदर में नहीं बने, बट अगर मैं ज्यादातर की बात करूं तो उनकी रिकमेंडेशन या उनकी आइडियोलॉजी के आधार पर ही इनको बनाया गया है। ये पगोडा क्या है, अगर मैं बात करूं, ये पकोड़ा नहीं है, राजन जी के मुंह में पानी आ गया, ये सोच रहे हैं पनीर पकोड़ा है, तो पनीर पकोड़ा नहीं है। ये क्या है मैं बता देता हूं, अपगोड़ा इज अ टाइप ऑफ स्तूपा विच प्रोवाइड्स इक्वलिटी वर्शिप एंड गैदरिंग एट वन प्लेस फॉर द कॉमन कॉज। बेसिकली होता क्या है, ये एक शिवालय टाइप का होता है जिसमें एक प्रकार का स्तूप है जो सामान्य कारणों के लिए एक स्थान पर पूजा और सभा के लिए एक समानता प्रदान करता है। यूनिवर्सल पीस जो है इसका एक उद्देश्य ये भी रहा है। यहाँ पर एक गैदरिंग होती है, एक कॉमन प्रेयर हॉल है जहाँ पर यूनिवर्सल पीस के लिए जो प्रेयर है वो ऑफर की जाती है। तो ये एक और बंदे हैं निपोंजन मायोजी, सेक्ट हैज बीन सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग द व्यूज ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, ये एक सेक्ट है बुद्धिज्म का, जापान से फ्लरिश हुआ है, बुद्धा फॉर पीस एंड हार्मनी अमंग द पीपल्स, दी स्तूपाज और द जापानीज पगोडाज आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द ओरिएंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, बात समझ में आई आपको। ये एक आपका सेक्ट है जिन्होंने, ये किसका भाग है, निपोंजन मायोजी संप्रदाय लोगों के बीच शांति और सद्भाव के लिए भगवान बुद्ध के विचारों को फैलाने में सफल रहा इन पगोडाज के द्वारा ही। और ये स्तूपा जो है वो जापानी पगोडा वास्तुकला की एक प्राचीन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। चलिए आगे बात करें। ठीक है, मतलब मेन क्या है बेसिकली दोस्तों, मैं आपको थीम बता देता हूँ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसके बाद जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ, तो ड्यू टू दैट न्यूक्लियर अटैक जापान के अंदर काफी लॉस हुआ। तो मोहनदास करमचंद गांधी की आइडियोलॉजी पे चलते हुए दुनिया के अलग अलग भागों में ये निपोंजन मायोजी जो है आपका ये सेक्ट प्लस में जो फ्यूजी भाई साहब हैं, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ऐसे कुछ स्तूप्स जो हैं वो बनाए, इनको पगोडास भी कहते हैं, स्तूप्स बनाए। और इन स्तूपों पर इसकी खास बात क्या है कि यहां पर एक कॉमन प्रेयर हॉल है जिसके द्वारा यूनिवर्सल पीस के लिए मैसेज दिया जाता है और प्रेयर जो है यहां पर की जाती है। बेसिकली इट इज टोटली डिपेंडेंट, टोटली अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी। यहां पर अगर मैं ये बात करूं राजगीर में जो पगोड़ा है, तो ये एक काफी एक हाइट पर आपका एक स्तूप जो है वो बना हुआ है, और इसके जो चार साइड पे अगर मैं फोर डायरेक्शन में बात करूं तो जो महात्मा बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध जो है, उनकी जो स्टैचू हैं वो लगे हुए हैं जो उनकी लाइफ के चार अलग अलग फेज को शो करते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये क्या है, स्तूपा एट राजगीर, इसकी खास बात क्या है इस राजगीर के स्तूपा की। सो बेसिकली वर्ल्ड पीस पगोडा एट राजगीर इज मेड अप ऑफ द स्पॉटलेस व्हाइट मार्बल, एकदम चकाचक फर्स्ट क्लास व्हाइट मार्बल से इसको बनाया गया है। एंड इट्स अ रिमार्केबल मॉन्यूमेंट, जो काफी अच्छा मॉन्यूमेंट जो है वो है। विश्व शांति स्वरूपा इज द टालेस्ट पीस पगोडा इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा टालेस्ट, सबसे बड़ा पीस पगोडा है जिसकी हाइट जो है वो 400 मीटर है। ठीक है, इसके अंदर चार लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू जो हैं चार साइड कॉर्नर्स पर वो लगाए गए हैं, जिनका मैंने बताया हुआ आपको, एक एक जो स्टैचू है जो बुद्धा का वो उसकी लाइफ के एक फेज को डिनोट करता है। उसके चार फेज थे लाइफ के, बर्थ, एनलाइटमेंट, टीचिंग और पासिंग अवे ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, उनको वो इंडिकेट करता है। सारे के सारे जो स्तूपा है ये गोल्ड के बने हुए हैं, सोने की ये मूर्तियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ये है एनकोर। क्या है एनकोर, बात कर लेते हैं भाई एनकोर क्या है। तो एनकोर जो है ये हमारा सेकंड टॉपिक है आज का। एक बार यार जल्दी से शेयर करो यार क्लास को, ऐसे मजा नहीं आएगा यार, प्लीज़ शेयर द सेशन, जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से अगर आप लोग शेयर करेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मेरे को तो मज़ा आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से शेयर कर दो सभी लोग एनकोर क्या है, उसके बाद मैं बताता हूँ। राजन जी ये भी आपका हैंग हो रहा है यार आज, क्या चक्कर है। सो दूसरा है एनकोर। एनकोर क्या है, तो एनकोर की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं, चल गया एक बार रिफ्रेश कर दो। एनकोर का अगर मैं बात करूं तो एनकोर की फुल फॉर्म क्या है, एनकोर जो है दिस इज बेसिकली enabling communication on real time environment, enabling communication on real time environment। तो ये basically क्या, भी आपको पता होगा हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर कब चुनाव हुए हैं। हरियाणा के अंदर जो है चुनाव जो था, बीजेपी को लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा सीट मिली है, बट हैंग असेंबली वहाँ पर बनी है,
हैंग असेंबली क्या होती है? हैंग असेंबली होती है दोस्तों जब किसी भी एक पार्टी को सिंगल मेजोरिटी, एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिली हो तो उसको हम बोलते हैं हैंग असेंबली, मतलब लटकी हुई है, किसकी सरकार बनेगी कुछ पता नहीं है। अब दुनिया कह रही है, आज न्यूज और कमेंट्स देख रहे हो आप, कमेंट आ रही है कि लोग पटाखे खरीदेंगे दिवाली पे, लोग सामान खरीदेंगे और मोटा भाई जो है एमएलए खरीदेगा। ठीक है, बात बिल्कुल सही है, मोटा भाई जो है वो एमएलए खरीदेगा। एमएलए का खरीद और बिक्री जो है अब स्टार्ट हो गई है, दिवाली पर अच्छे ऑफर्स उनको दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरी ओर कांग्रेस बोल रही है कि वो कर्नाटक वाला मॉडल जो है वो हरियाणा में लेके आ सकते हैं। मतलब अगर कांग्रेस की बात करूं तो 33 सीट्स उनके पास हैं, प्लस में 10 सीट जो है जेजेपी, जो दुष्यंत चौटाला जी, तो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है तो उनको मॉडल, कर्नाटक मॉडल क्या है कि कांग्रेस जो है गवर्नमेंट बनाएगी लेकिन चीफ मिनिस्टर का पोजीशन किसको दे देगी? दुष्यंत चौटाला को। ये मॉडल भी वो कह रहे हैं होगा, बट देखते हैं होगा। बेसिकली हमारे लिए जरूरी क्या है? हैंग असेंबली। हैंग असेंबली क्या है? जब किसी एक पार्टी को लार्जेस्ट मेजॉरिटी ना मिले, मतलब कोई एक पार्टी सरकार बनाने के, कोई एक पार्टी हो या गठबंधन हो, मतलब कोलिशन हो या सिंगल पार्टी जो है उसको इतनी वोट ना मिले कि ही कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, तो उस को बोलते हैं हम हैंग असेंबली। महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं तो बीजेपी और शिवसेना जो है उसका जो कोलिशन है उसने भाई बाजी मार ली है, बट ऑल ओवर अगर बात करें तो बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन रहा है, स्पेशली इन हरियाणा। इन हरियाणा इनका नारा था अब की बार 75 पार, ठीक है, और ये तो कांग्रेस में और इनेलो में इनमें फूट थी, नहीं तो अब की बार 30 से भी बेकार इनका परफॉर्मेंस होना चाहिए था, बट ये तो आपसी फूट की वजह से सरा, बट स्टिल मतलब ये इंट्रोस्पेक्ट इनको करना चाहिए। मैं देखो यार किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट एक्चुअली हरियाणा के अंदर बीजेपी ने कोई किया नहीं, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट छोड़िए इन चीजों का अपने से कोई मतलब नहीं है। कम टू दिस पार्ट, इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन में इस बार पहली बार जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने एक आईटी एनेबल्ड सॉफ्टवेयर यूज किया है जिसका नाम क्या है, एनकोर। ठीक है, एनकोर क्या है? दिस इज द एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन द रियल टाइम एनवायरनमेंट, है ना। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेसिकली ये है क्या, इट इज अ काउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द आईटी टीम ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच अलाउज द जनरेशन ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ड्यूरिंग द काउंटिंग प्रोसेस विच आर मैंडेटरी फॉर द रिटर्निंग ऑफिसर। जब वो बंदा जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना, आपका आरओ जो है वो आपका जब काउंटिंग करता है, जब वोट काउंट करता है, तो उसकी उसको बहुत सारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जो हैं वो बनानी पड़ती, एक के बाद एक रिपोर्ट उसको क्या करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। एंड ये रिपोर्ट जो मेकिंग होता है, दिस इज अ वेरी कंबरसम प्रोसेस, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो इसके लिए अब ये आसान हो, इनकी सरदर्दी कम हो, इनके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जिसका नाम है एनकोर। ठीक है, ये एनकोर सॉफ्टवेयर जो है ये इलेक्शन कमीशन की जो आईटी टीम है उसी ने ये डेवलप किया है। सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ द सिस्टम, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिप्लॉयड एन इंटीग्रेटेड आईसीटी, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काउंटिंग एप्लीकेशन विच गिव्स द फ्रीडम टू द रिटर्निंग ऑफिसर आरओ स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। इससे थोड़ा सा उसका काम क्या होता है, आसान हो जाता है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने ऐसा कुछ यूज किया है टू डायरेक्टली कंप्यूट एंड एंटर द डेटा। मतलब वो क्या कर सकता है, काउंटिंग करेगा और डायरेक्ट जो है डेटा जो है उस रिपोर्ट के अंदर फिल कर देगा, उसको अलग से रिपोर्ट बनानी नहीं पड़ेगी, और ये एक रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है। आप रियल टाइम का मतलब क्या है, मतलब हम और आप बात कर रहे हैं, प्रोसेस चल भी रही है, और फिर भी आप डेटा को क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व जो है वो कर सकते हो। चलिए यार एक बार क्लास को शेयर कर दो, और देखो अभी लोग जो है ना आप लेट आते हो, आप लास्ट तक आ रहे हो यार। ठीक है, मैं लेट होता था, आप लोग यहां पे बोलते थे कि सर आप लेट आते हो, ठीक है, अब आप देखो कितनी लेट आ रहे हो। मुझे तो लेट में इस वजह से हो जाता हूं यार, बनाना पड़ता है मटेरियल पूरा, उसके बाद आधी बार तो मैं नहाता भी नहीं हूं, है ना, किस दिन नहाने लग गया टाइम लग जाता है, उसके बाद कई बार ट्रैफिक हो जाता है आने में, सुबह सुबह कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। आप लोग घर बैठ के ऑन करने में देखो कितनी देरी कर रहे हो यार, सभी लोगों को जगाओ यार, सभी लोगों को एकदम उनको चुस्ती में लेके आओ, ठीक है, अदरवाइज मैं कल से फिर से मैं लेट कर दूंगा आपकी क्लास। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, एक बार जल्दी से शेयर कर दो सभी को, ठीक है, जल्दी से बताओ ताकि चीजें जो है हम कर पाए, वरना हम आगे चले जाएंगे। ठीक है, चलो, दिस एप्लीकेशन अलाउज द रिटर्निंग ऑफिसर टू एंटर द टेबल वाइज डेटा, ठीक है, टेबल वाइज डेटा भर देगा इन द सॉफ्टवेयर, देयर बाय कंसिडरेबल रिड्यूसिंग द टाइम एंड मेक्स द रिजल्ट एंड द डेटा एरर फ्री। बात आ गई समझ में भाई, उसको बस आसान नहीं हो जाती। तो एनकोर क्या है यार, एनकोर कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये एक आईटी एनेबल्ड सिस्टम है, आईटी एनेबल्ड सिस्टम है जिसके अंदर क्या है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो अपना डेटा रियल टाइम में इसमें टेबल वाइज एंटर कर सकता है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो आप, रिजल्ट और ट्रेंड जो होता है वो एरर फ्री आपका रहेगा।
बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? चलिए समझ में आ रही है, मुझे पता है सारे के सारे जो है वो ज्ञानी आदमी है। एक बार जल्दी से कीजिए यहाँ पर कमेंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी आफ्टर ट्वेल्थ है। आफ्टर ट्वेल्थ जस्ट करंट अफेयर पर फोकस करो, न्यूज़पेपर रीड करने की कोशिश किया करो, मॉर्निंग का ये शो करो, पिक्चर देखो आराम से, क्योंकि यूट्यूब पर पिक्चर चलती है हमारी 10 से 11 बजे, वो पिक्चर देखो और अलग अलग शोज जो आते हैं वो देखो। आप सिर्फ और सिर्फ जो आपकी करंट ट्रेंड है उससे अवेयर रहो, बाकी ट्वेल्थ क्लास अभी आपने की है तो इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है ना। ट्वेल्थ की है अभी, कॉलेज में जाओ, लड़के हो तो गर्लफ्रेंड बनाओ और लड़की हो तो बॉयफ्रेंड बनाओ, ठीक है, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करो, सीखो कुछ उससे, उसके बाद में पढ़ाई करो यार, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी जो होती है, यूपीएससी अगर आप बीए, आप किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में एनरोल हो जाते हैं सो आफ्टर सेकंड ईयर जो है आपको आइडियल प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। इतना लोड लेके मत जियो यार, ठीक है। सही है, अगर आपको करना है यूपीएससी, आपने पहले से मन बना लिया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कई लोगों को पता ही नहीं होता, अंधे चले ही जा रहे हैं, क्या करना है। कईयों को बाद में रियलाइज होता, अच्छा मुझे तो सांड खोलना है, बाद में रियलाइज होता है। कईयों को पता ही नहीं होता क्या करना होता है, ऐसे ही पढ़े हैं, खा लेते हैं। बट आपको अगर अच्छा है, अगर आपको पता है, यू आर वेरी क्लियर, आपका गोल जो है, आपका फोकस जो है, ओरिएंटेशन जो है एकदम क्लियर है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अभी आपको प्रेशराइज मत करो अपने आप को, है ना, जस्ट टेक सम टाइम, कुछ समय लीजिए, एंड आफ्टर दैट टाइम अब जब समय आएगा तो आप अपना, बस अभी के लिए आप करंट अफेयर जो करंट इश्यूज जो है न्यूज़पेपर जो है आपके, या मैं बात करूं आपका जो करंट इवेंट्स जो चल रहा है, थोड़ा थोड़ा उसकी नॉलेज जो है वो लेते रहिए। एनवायरनमेंट की कोई भी वीडियो डिलीट नहीं हुई है, कौन सी वीडियो डिलीट हुई है मुझे पता नहीं है। राजन जी को दिखाए, बट राजन जी कल भाग गया था मिस्तू, मैं आपको सही बता रहा हूँ, राजन जी कल भाग गए थे, है ना, इनके एक सांड को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो ये बोले मैं जा रहा हूँ सर, तो ये पहले जल्दी चले गए थे, अन्यथा मैं बिल्कुल दिखाता आपको, है ना। और यहां हम दिखा नहीं सकते, मैं आपको दिखाऊंगा अपने वहीं पर फेसबुक पेज के ऊपर, आज मैं इनको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। राजन जी का बिल्कुल मेरे पास में ही है, राजन जी आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है, मेरे पास ही है बिल्कुल। चलिए आगे स्टार्ट करूं। सो आपको देखो, जो भी बच्चे हैं यहाँ पर, जो आपके नए हैं, फ्रेशर हैं, ट्वेल्थ क्लास जस्ट पास करके आए हैं, उनको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कूल रहिए, काम रहिए, ठीक है। आपका गोल क्लियर हो गया, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, बट आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है यार। देखो जिंदगी में सारे काम करो यार, कुछ छोड़ो मत यार, मेरे को देख लो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं जिंदगी में जो नहीं किया हो, बट एक काम मैं हमेशा करता हूँ, दैट इज माई स्टडी, है ना। मैं सारे काम करता हूँ बट मैं स्टडी जरूर करता हूँ, मैं दिन में कुछ भी करूँ लेकिन मुझे रोज सुबह 2 बजे उठ जाना, हालांकि सो ही नहीं पाता अधिवर्तों में, ठीक है। अब तो लाइफ, जब से आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, लाइफ एकदम झंडू बाम हो चुकी है, मुन्नी बदनाम हो चुकी है, लाइफ झंडू बाम हो चुकी है, बट स्टिल मैं लगा हुआ हूं आपके लिए यार, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है मॉर्निंग के अंदर, जो आप लोग की जो कमेंट्स होती है ना, रियली यार मुझे काफी कुछ बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स आपके मिलते हैं और मजा आ जाता है उनको देख के, मैं उनसे ही मोटिवेट रहता हूं, उनसे ही मैं काम करने के लिए रोज जो है इच्छा जगाता हूं, नहीं तो अगर बात करो तो पर्सनल लाइफ एकदम झंडू बाम हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आगे। द एप्लीकेशन अलाउज द रिटर्निंग ऑफिसर, ये हमने पढ़ ही लिया। चलिए एक बात और है, सो बेसिकली एनकोर क्या, एक आईटी एनेबल्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का डिवाइस जो है उसको इस्तेमाल करते हुए आपका ये पूरा काम किया। इसके अंदर किया क्या है मैंने आपको बताया, सिंपल कुछ नहीं है, एक जो रिटर्निंग ऑफिसर है ड्यूरिंग द काउंटिंग वो एक टेबल में डेटा भरता रहेगा, तो आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो, डेटा जो होगा वो एरर फ्री रहेगा। तो एनकोर इट इज अ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, तो आपको याद रखना है। एक और यार, इलेक्शन ट्रेंड टीवी, ये भी लॉन्च किया है इस बार इलेक्शन कमीशन ने, ये भी किया है इलेक्शन ट्रेंड टीवी, मतलब क्या है ना कि इस बार के जो इलेक्शन की रिपोर्ट है ना वो आती रहेगी, देखो ऐसे आप रियल टाइम में जो इलेक्शन की रिपोर्ट ऐसे देखते रहोगे, दिख रहा होगा आई होप आपको, ठीक है। जो ये दिख रहा है, ये जो चीज है देखो, पीछे लिखा हुआ है जनरल एंड बाई इलेक्शन रिजल्ट अक्टूबर 2019, तो यहाँ पर ये पूरी इन्फोग्राफिक के द्वारा अलग अलग ये चार्ट्स वगैरह बनाकर, तो ऐसे अच्छे अच्छे लाल पीले कलर से ना ये रिजल्ट बीच बीच में दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो इसी को बोला इन्होंने क्या, इस चीज को बोला इन्होंने इलेक्शन ट्रेंड टीवी। सो फॉर द फर्स्ट टाइम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड इलेक्शन ट्रेंड टीवी, समझ ही गए होगे आप, इलेक्शन का ट्रेंड जो है वो हमें बता रहा है, ऑफ विच द जियोग्राफी ग्राफिकली रिच माइक्रो डिटेल्स ऑफ द ट्रेंड एंड रिजल्ट्स आर पब्लिश्ड इन द रियल टाइम। मैंने बताया अलग अलग बढ़िया बढ़िया पीपीटी टाइप से स्लाइड बना के ना आपको रिजल्ट दिखाएंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। सो वही पुरानी चीज है बट उसको थोड़ी नई नए बोतल के अंदर, पुरानी शराब है नए बोतल के अंदर पैक कर रहे हैं,
पहले भी ये सब कुछ करते थे बट पेपर फॉर्मेट में, रिपोर्ट रिलीज करके, नोटिस रिलीज करके, बट अब जो है ये थोड़ा सा अच्छे से इसको कर रहे हैं. डिजिटल इंडिया, ये भी इलेक्शन कमीशन भी डिजिटल इंडिया को फॉलो कर रहा है, ठीक है. साथ साथ में राजन जी तो करते ही हैं. राजन जी ने क्या कर दिया, अपने हर सांड की एक फेसबुक आईडी बना रहे हैं, और एक सांड के, हर सांड के नाम से एक एक फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप आईडी, तो ताकि वो डिजिटली आपस में कनेक्ट हो पाए, ठीक है. चलिए आगे बात करता हूँ आपका. सो नेक्स्ट बात क्या है, एज एंड व्हेन द काउंटिंग डेटा ऑफ ईच राउंड इज एंटर्ड आफ्टर After officially being declared by the returning officer, the data is displayed on the election TV train. भाई जैसे ही returning officer encore के द्वारा अपनी पूरी जो counting है वो खत्म करेगा, तो election trend TV का काम क्या होगा, ये पूरे उस data को ऐसे अलग अलग micro details के साथ में graphically उसको publish कर देगा without any manual intervention. मतलब जो encore से data आएगा वो graphically modify होगा और present कर दिया जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का human intervention नहीं होगा. ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. दीज पैनल्स कैन बी कस्टमाइज्ड एंड कॉन्फिगर्ड. ये जो कस्टम पैनल है ना, जो ये जो आपका पैनल बनाया गया है, इनको आप कस्टमाइज कर सकते हो, और बड़ी लार्ज टीवी पैनल के साथ लगा के ना कहीं पर भी इनको क्या कर सकते हो, आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं. बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? अगर एक बार समझ में आ रही है तो नहीं नहीं सतीश चांडेल मोल मौज नहीं लेता मैं, इनकी भाई है हमारे तो बस. और आपका, आपको भी इनका धन्यवाद करना चाहिए, इन्हीं की वजह से हम ये मॉर्निंग में इस क्लास का लुत्फ उठा पाए हैं. मेरी इंस्टा पे आईडी मैंने बनाई है शायद बींग सुमित राठी करके है, पता नहीं यार क्या है, मैंने कभी इसको चलाया नहीं है, आज कल परसों में ही बनाई थी. सो देखते हैं, जल्दी मैं आपको बता दूंगा, उससे भी अवेयर करा दूंगा. बस आप जो है, मेरा एक जो पेज है, फेसबुक प्रोफाइल है, उसमें सुमित राठी से है मेरी आईडी, वहां पर पेज भी है सुमित राठी यूपीएससी. सो वहां पर आप जुड़े रहिए, तो वहां पर मैं आपको ऐसी अपडेट्स जो है वो देता रहूंगा. और एक बार यार क्लास को प्लीज़ यार शेयर कर दो यार, ठीक है. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सभी ग्रुप में अपने फेसबुक अकाउंट पर दिस इज माय, एक काम नहीं कर पाओगे क्या यार आप? यार एक छोटी सी चीज ही तो मांग रहा हूं आपसे. कौन सा मैं राजन जी का सांड मांग रहा हूं, एक छोटी सी चीज मांग रहा हूं, और वो क्या है भाई, वो है आपसे कह रहा हूं कि शेयर कर दो, सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दो यार. कुछ नहीं जाता, एक बार लिंक कॉपी करना है, उसको अपने एफबी अकाउंट पर, उसको अपने फेसबुक अकाउंट पर, उसको शेयर करना है, इंस्टा अकाउंट पे शेयर करना है, प्लस में जितने भी आपके ग्रुप्स हैं एक बार उसमें शेयर करना है यार. इससे ज़्यादा क्या है, इतना ही तो करना है. कर सकते हो या नहीं, जल्दी से लिखोगे मुझे कर सकते हैं कि नहीं. काजल पांडे, राधा साहू, दीपक कोहिबाल, इल्फाज नाज, मिसू भट्टाचार्य, मिस कश्यप, विजय कुमार, साहू चौधरी, बताइए ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, प्लीज़ रिप्लाई. दीपक कोहिबाल, यार मैंने आपका मैसेज पढ़ा नहीं है, तो अदरवाइज आई विल रिप्लाई, मैं ज़रूर रिप्लाई करता, ठीक है. चलिए आगे बढ़ाते हैं भाई, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका, ठीक है. चलिए नेक्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ आपका. तो अगला जो न्यूज़ है हमारे पास वो क्या है, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया कि इलेक्शन टीवी ट्रेंड जो है ये भी स्टार्ट किया गया है. अब देखो ये क्या है, वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. ये वर्ल्ड बैंक ने ना एक रिपोर्ट आपकी रिलीज कर दी है, वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. देखो सभी लोग बोल रहे हो, सभी को माँ कसम है, ठीक है. अगर आप आज आपने शेयर नहीं किया ना, तो सही में बता रहा हूँ, सभी को माँ कसम है, और सभी को राजन के सांड की कसम है. ऐसा सींग मारेगा ये तो आप, मुझे लग रहा है कि देखो ये एक, यस यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. कोई बात नहीं, जिसका एफबी बंद है वो ओपन करो, जिसका नहीं है, ये शेयर तो आपको करना पड़ेगा यार. देखो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैं देखो हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, ये करना पड़ेगा यार, प्लीज़ इट्स यू कैन डू इट, ठीक है. मेरे, आप कर सकते हो, मेरे लिए कर दो, ठीक है, ये आप प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है. चलिए आगे बात करते हैं. वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ की है. सो वर्ल्ड बैंक जो है ना हर बार एक इस प्रकार की रिपोर्ट रिलीज़ करता है इसको हम बोलते हैं डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. ये एनुअल रिपोर्ट होती है. कौन बनाता है आपका? सो बेसिकली वर्ल्ड बैंक बनाता है. लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी आया था, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में इससे आया था क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आया था सीडीए के एग्जाम में. सो वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, देख लो दोस्तों, पूरा बता रहा हूं, कुछ बचेगा नहीं, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं अगर आप ये देख रहे हैं. तो देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, द वर्ल्ड बैंक रिलीज इट्स लेटेस्ट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो आपकी रिलीज की गई है, कब आपका 24 अक्टूबर 2019 को. इसके अंदर इंडिया की पोजीशन जो है वो किसने जंप किया, तो पहला किसने रिलीज
चीज की पता चल गया। इंडिया की पोजीशन क्या है दोस्तों, इंडिया ने ना 14 प्लेस का जंप कर लिया है, मतलब पहले हम 77th पोजीशन पे थे, इस बार हम किस पर आ गए हैं 73rd रैंक पर आ गए हैं, और ये टोटल 190 देश जो हैं उनको रैंक दी जाती है, जिसमें इंडिया का रैंक इस बार कितना है 63rd रैंक जो है वो इंडिया का है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं यार, आगे बात करूं तो इंडिया लीप्स ऑफ द 14 रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। लगभग अगर मैं भारत देश की बात करूं तो यार ये मैं हिंदी में रखना यार भूल गया, यहां पर मैं स्किप हो गया दिमाग से, इंडिया लीप्स, तो इंडिया ने कितने रैंक आपका ऊपर गया, इंडिया जो है 14 प्लेस 14 रैंक जो है वो ऊपर गया है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में, जो काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। 2015 से अगर मैं बात करूं तो भारत जो है उन देशों में आ रहा है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी कंट्री को इंप्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा रिफॉर्म मेजर लिए हैं। तो भारत जो है टॉप 10 इंप्रूवर्स में है, इंप्रूवर्स मतलब जिसने ऐसे काम किए हैं ताकि अपनी देश की जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको क्या किया जा सके इंप्रूव, और ये कंटिन्यूअस कब से हो रहा है 2015 जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का जो प्लेस है वो लगातार बढ़ रहा है। As a result of the continued effort by the government, India has improved its ranking position by 79 position. 2015 से लेकर आज 2019 में जब रिपोर्ट आई है तो इंडिया ने टोटल 79 प्लेस की आपको हमने क्या ले लिया इंक्रीमेंट। पहले हम 79 प्लेस क्या थे ज्यादा, मतलब पहले कौन से पे थे हम, तो पहले जो थे हम वो होंगे हम कितना 63 प्लस में 79, है ना, इस हिसाब से होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब आते हैं अबाउट इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट के बारे में क्या है, देखो ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट क्या कह रही है, ये क्या बोल रही है बेसिकली, देखो यार द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस असेसमेंट प्रोवाइड्स द ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ द बिजनेस रेगुलेशन एंड देयर एनफोर्समेंट अलोंग द, मतलब कैसा बिजनेस, आप बिजनेस शुरू करना, बिजनेस को बंद करना या बिजनेस को रन करना किस देश में कैसा चल रहा है, इस आधार पे वर्ल्ड बैंक जो होता है ना वो 190 देश को एनालाइज करता है, 190 कंट्रीज की इकोनॉमी को, 10 अलग अलग ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पर वो क्या करता है उसको एनालाइज करता है, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, मतलब एक बिजनेस को 10 पैरामीटर ले लिए मैंने, उन पैरामीटर्स के ऊपर मैं उस इकोनॉमी को एनालाइज करूंगा कि कैसे वो इकोनॉमी जो है वो परफॉर्म कर रही है। सो द डीबीआर रैंक्स कंट्रीज ऑन द बेसिक ऑफ डिस्टेंस टू फ्रंटियर, ये एक इंडिकेटर है, क्या है, बेसिस ऑफ डिस्टेंस टू फ्रंटियर, जिसके आधार पर उसको स्कोर दिया जाता है, और ये डिस्टेंस टू फ्रंटियर जो है बेसिकली क्या है, एक स्कोर है जो आपका गैप को शो करता है इस किसी इकोनॉमी के अंदर कि वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस से कितना दूर है। बात समझो यार, कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है, लाइक मैं गोलगप्पे बनाने का बिजनेस बात कर लेता हूँ, राजन जी को गोलगप्पे बहुत पसंद है तो गोलगप्पे की बात करेंगे। सो गोलगप्पे का बिजनेस है, मान के चलो मुझे इंडिया में एस्टैब्लिश करना है, गोलगप्पे का बिजनेस शुरू करने में, गोलगप्पे का लाइसेंस लेने में, प्लस मैं उसको उसकी रेहड़ी लगाने में कहीं पे, या दुकान एस्टैब्लिश करने में, या उसको बंद करने में, या उसके लिए बंदे हायर करने में, ऐसे 10 अलग अलग पैरामीटर बनाए जाएंगे, उनके आधार पर मैं ये डिसाइड करूंगा किसी इकोनॉमी में कि 10 मीजर के बेसिस पर किस इकोनॉमी में क्या क्या ट्रेंड है, मतलब किसी कंट्री में हो सकता है किसी चीज में दिक्कत आए किसी में, तो ऐसे 10 पैरामीटर के ऊपर मैं हर बिजनेस को एनालाइज करूंगा ऐसे 190 कंट्रीज के अंदर, और फिर मैं एक इंडेक्स बनाऊंगा और उस इंडेक्स का नाम क्या होगा, डिस्टेंस टू फ्रंटियर। ये एक स्कोर है जो गैप को क्या करता है, एनालाइज करता है। इंडिया का स्कोर जो है इस बार वो कितना है आपका 71, पिछली बार कितना था 67, जब हम 100 के जितना पास जाते जाएंगे हमारी रैंक जो है उतनी ही क्या होगी आपका इंप्रूव होगी। सो बात समझ में आई, तो डिस्टेंस टू फ्रंटियर ये याद रखना है, कितने आपके मीजर हैं, कितने पैरामीटर हैं जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, वो है 10 पैरामीटर जिसके ऊपर पूरी जो ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। चलिए इंडिकेटर्स कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, राजन जी एक बार स्विच कर सकते हैं क्या, हम नहीं हो सकता, स्विच नहीं हो सकता यार, तो ध्यान आपको देना ही पड़ेगा, देखो थोड़ा सा गौर से देखेंगे समझ में आ जाएगा, अदरवाइज पीडीएफ जो होगी वो देख लेना। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट मैं बात बोल रहा हूँ, इन इंडिकेटर से ना लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, पर्टिकुलर पूछा गया था कि बताओ रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी से इंडिया की रैंक जो है वो इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है, तो आपको पर्टिकुलर याद भी रखना पड़ेगा। तो देखो रिजॉल्विंग इन
इंसॉल्वेंसी, तो इसके लिए हमने इंडियन गवर्नमेंट ने आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हम लेके आए हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो इससे जो बैंकिंग इंसॉल्वेंसी है वो पहले से इंप्रूव हुई है या नहीं हुई? हाँ हुई है, पहले 108 पोजीशन पे थे, अब कितने पे हम आपका 52। तो अलग अलग रिफॉर्म हमने किए हैं। तो सॉल्विंग बैंक रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी में बात करूं तो भारत ने क्या रिलीज किया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो उसकी वजह से 2018 में हमारी रैंक थी 118, बट अब हमने इसमें इंप्रूव किया है, स्कोर हमारा कितना है 52, तो प्लस 56 का चेंज हमने, मतलब हमने इसमें गेन किया इस पैरामीटर में। कंस्ट्रक्शन परमिट की, कंस्ट्रक्शन परमिट में अगर मैं बात करूं तो पहले हमारा जो रैंक था वो कितना था 52 स्कोर था, बट इस बार जो हमारा स्कोर है वो कितना है आपका दोस्तों 27, मतलब फिर से यहां पर भी इंप्रूव हुआ है, कितना प्लस 25 का, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगर मैं ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर बात करूं तो पहले 80 था जो पैरामीटर, मतलब मुश्किलें ज़्यादा थी, लेकिन अब 60 हो गया, तो प्लस में हमने यहाँ पर भी गेन किया है प्लस 12 का। रजिस्ट्रिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के चक्कर में भी हमें इम्प्रूवमेंट मिला है, प्लस 11 है, प्लस है। टैक्सेस के केस में तो आपको पता है दोस्तों जब से जीएसटी आया है तो टैक्सेस के केस में आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट रही है, तो प्लस 6 यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने देखा होगा बहुत सारी अलग अलग स्कीम हमने आपका मासेस के लिए भी और क्लासेस के लिए भी लेके आई है सरकार, मासेस के लिए आपको पता ही है सौभाग्य हो गया, उजावला हो गया, है ना, तो इससे रैंक जो हमारी इंप्रूव हुई है प्लस 2। इसके बाद अगर मैं स्टार्टिंग अ बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट करने की तरफ से मैं बात करूं तो वहां पर भी ओवरऑल रैंक जो हमारी इंप्रूव हुई है कितना आपका 1, है ना। तो अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल जो है जो पैरामीटर्स हैं हमारे, ओवरऑल रैंक जो है हमारी, इस बार का स्कोर हमारा 77 रहा है और रैंक जो है हम प्लस 14 रैंक जो है वो इंप्रूव कर चुके हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस बार के, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें, वो क्या था इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियाज परफॉर्मेंस दिस ईयर्स, इस साल परफॉर्मेंस के कुछ बेस्ट फीचर्स क्या हैं। देखो द वर्ल्ड बैंक हैज रिकॉग्नाइज इंडिया एज वन ऑफ द टॉप 10 इंप्रूवर फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव डेज, तीसरे लगातार साल में इंडिया जो है वो टॉप टेन नेशन में नहीं है दोस्तों, टॉप 10 इंप्रूवर में है, ये बात याद रखना, सुधारकर्ताओं में है, ठीक है, 10 शीर्ष के सुधारकर्ताओं में है, ठीक है। दूसरा क्या है, रिकवरी रेट जो है अंडर रिजॉल्विंग इनसॉल्वेंसी हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, ये कमाल है आईबीसी का, इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, जिससे ये जो है 26.5 से बढ़कर कितना हो चुकी है 71.656%। ये याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा सीधा सीधा जो है वो पूछा जाता है। आईबीसी का फुल फॉर्म जो है दीपक, वो है इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। मैम जब आपको पढ़ाएंगी इकोनॉमिक्स तो वहां पर बताएंगी, अदरवाइज मैं आप इसकी पर एक वीडियो दे दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम टेकन फॉर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी हैज केम डाउन सिग्निफिकेंटली। पहले एक इंसॉल्वेंसी क्या होती है मैं बताता हूं, मान के चलो एक बैंक था, है ना, नहीं एक कंपनी थी, एक कंपनी एस्टैब्लिश हुई, वो कंपनी एस्टैब्लिश हुई, उसके बाद में उस कंपनी में प्रॉफिट आ नहीं रहा, है ना, अब ना वो उस कंपनी को हमें बंद करना है, लेकिन उस कंपनी की काफ़ी सारे बैंकों से उधारी है, तो किस तरीके से हम उस बैंक को, किस तरीके से उस पूरी कंपनी को हम डिसॉल्व करें, किस प्रकार से उसके एसेट को लिक्विडिफाई करें, क्योंकि बैंकों का कर्जा भी देना है, प्लस में जो शेयर होल्डर है उनको भी पैसा देना है, है ना, जो काम कर रहे हैं उनको भी पैसा देना है, सैलरी भी देनी है, या हो सकता है किसी उस कंपनी ने कोई सामान खरीदा उसके बिल का भी पेमेंट देना हो, तो ये किस आधार पर होगा, ये सारा जो है इसी के आधार पे होता है, किसके आधार पे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के आधार पर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इंडिया कंटिन्यूज टू मेंटेन इट्स फर्स्ट पोजीशन अमंग द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो साउथ एशिया के अंदर इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा है आपका, फर्स्ट रैंक है, ठीक है। 2014 में इंडिया जो था साउथ एशियन नेशन में बात करूं तो 6th रैंक पर था। ये कुछ आपके बेस्ट परफॉर्मेंस जो हैं वो दिए गए। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रोग्रेस कार्ड की, कौन कौन किस स्थान पर है। तो सबसे अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे मैं बात करूं आपका, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है दोस्तों, न्यूजीलैंड जो है वो आपका फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, है ना, 2018 में भी और 2019 में भी फर्स्ट प्लेस पे था। सेकंड पर है सिंगापुर, थर्ड पर है दोस्तों हांगकांग जो पिछली बार था फोर्थ पोजीशन पे, इस बार आया है थर्ड पोजीशन पे। डेनमार्क पिछली बार थर्ड पे था, इस बार फोर्थ पे हो गया है। साउथ कोरिया जो है फिफ्थ पोजीशन बनाए हुए हैं, ऐसे हैं। और अगर मैं बात करूँ ये कुछ कंट्रीज इधर भी हैं, इंडिया जो है 63, 77, चाइना 31 है, पहले कितना था 2018 में 46, मतलब चाइना जो है उसने भी इम्प्रूव किया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
सो समझ में आया आपको? तो पूरा न्यूज क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, वर्ल्ड बैंक ने पहला रिलीज किसने की, तो पहला रिलीज किसने की, तो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की, पहली बात। इंडिया का प्लेस कौन सा है भाई? इंडिया का प्लेस जो है, इंडिया का है 63rd प्लेस है ना, 63rd प्लेस है, प्लस में 14 की उसने क्या लिया है, जंप उसने हासिल किया है, 14 का जंप उसने हासिल किया है, ठीक है। चलिए और बात कर लेता हूं मैं, नेक्स्ट है कितने इंडिकेटर होते हैं, तो मैंने बता दिया आपका कि 10 पैरामीटर होते हैं हमारे पास, कितने होते हैं 10 पैरामीटर, जिसके आधार पर ये सब डिसाइड होता है। और वो जो 10 पैरामीटर्स होते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस रेगुलेशन इकोनॉमिक्स एंड 10 पैरामीटर है ना, 10 पैरामीटर में से 7 पैरामीटर में इंडिया ने मतलब बढ़ोतरी, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 3 में खराब है। तो याद रखना वो 3 खराब कौन से हैं और 10 कौन से हैं, तो 10 मैंने बता दिए, इनके अलावा कोई भी आते हैं तो वो आपके कैसे हैं, खराब हैं, और इससे भी क्वेश्चन जो है वो आपका आता है। एक ये नाम आप याद रखेंगे, डिस्टेंस टू फ्रंटियर, इसी के आधार पर हर कंट्री को स्कोर दिया जाता है, और इंडिया का स्कोर इस बार कितना है, 71, लास्ट टाइम कितना था दोस्तों, 67 ये रहा। और फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जानते हो कौन सा है आपका प्रोग्रेस कार्ड में, फर्स्ट है न्यूजीलैंड, है ना। सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट जो हुई है वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के केस के अंदर देखी गई है। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं, देखो ये क्या है, जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है उसने एक क्लाइमेट रेजिलियंस, एग्रीकल्चर रेजिलियंस प्रोजेक्ट के लिए उसने वर्ल्ड बैंक ने उसको लोन दिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, ठीक है, दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड द वर्ल्ड बैंक टुडे साइंड अ $165 मिलियन लोन एग्रीमेंट, $165 मिलियन का लोन एग्रीमेंट मिला है। कहां से? वर्ल्ड बैंक से मिला है। अब वर्ल्ड बैंक की किस ब्रांच से मिला है? तो वर्ल्ड बैंक की IBRD ब्रांच से मिला है, जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक के अंदर ऐसे 5 अलग अलग बैंक है, ठीक है, IBRD, IDA, तो उसके बाद में IFA है ना, ऐसे मीगा है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और एक और है ICICSD, तो ऐसे 5 एजेंसी हैं। तो ये किसमें से है? IBRD से, है ना। सो वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीनों ने मिलकर, दोनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ? वर्ल्ड बैंक की एक ब्रांच के साथ, जिसका नाम क्या है? IBRD। किसके लिए किया है? तो ये किया किसके लिए है? टू सपोर्ट मिलियन लोन एग्रीमेंट टू सपोर्ट द स्मॉल होल्डर farmer, strengthen the resilience of their production system as well as to diversify and improve their market of their produce for increased income. देखो, climate change से जो आपकी agriculture variability है वो काफी बढ़ रही है ना। Agriculture variability की बात अगर मैं करता हूँ तो वो क्या है? उड़ीसा के अंदर काफी सारी problems हो रही है। Problems क्या हो रही है? क्लाइमेट चेंज की वजह से जहां पर बाढ़ नहीं आती थी वहां पर भी बाढ़ आने लगी। जो ड्रॉट का पीरियड था, पहले होता था कि 5 साल में एक बार सूखा पड़ता था, लेकिन अब 2 साल में ही एक बार आपका जो है ड्रॉट पीरियड जो है वो हो जाता है। तो ऐसी क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी से बचने के लिए, वहाँ के लोगों की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ की लोगों की जो ये क्लाइमेट चेंज के लिए रेजिलेंस डेवलप करने के लिए, उनके प्रोडक्शन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनकी मार्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए, उनके प्रोड्यूस को जो वो पैदा करते हैं उनको बेचने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया गया है। कितने मिलियन डॉलर का? $165 मिलियन का जो लोन है ये बेसिकली साइन किया गया है, लिया गया है। चलिए पर्पस की बात कर लेते हैं दोस्तों, बात चली रही है। तो पर्पस क्या है? द प्रोजेक्ट विल स्ट्रेंथन द रेजिलियंस ऑफ द स्मॉल होल्डर फार्मर अगेंस्ट द एडवर्स क्लाइमेट बाय इंप्रूविंग एक्सेस टू रेजिलियंट सीड। इनको क्या दिया जाएगा भाई? अच्छे जो क्वालिटी के सीड्स जो हैं वो तैयार के, अच्छे किस्मों के वो आपको क्या दिए जाएंगे? इनको सीड्स जो हैं वो दिए जाएंगे। जलवायु किस्म और उत्पादन प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने में सुधार करके अधिक जलवायु लचीला फसलों की ओर से विविधता लाने और बेहतर जल प्रबंधन और सिंचाई सेवा तक पहुंच के सुधार करने के प्रतिकूल जलवायु के ला मजबूती प्रदान करेगी। ये सारी बातें हैं देखो। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट का काम क्या है? इट विल गोइंग टू स्ट्रेंथन द रेजिलियंस ऑफ द स्मॉल होल्डर। स्मॉल होल्डर फार्मर क्या होते हैं? ऐसे फार्मर जिनके पास जो भूमि है वो 2 हेक्टेयर से क्या हो दोस्तों, कम हो, उनको हम बोलते हैं आपका स्मॉल होल्डर फार्मर। सो उन स्मॉल होल्डर फार्मर का जो एडवर्स क्लाइमेटिक इंपैक्ट जो होता है, उनके ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसको सुधारने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे? ये ऐसे बीज उनको देंगे जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है, मतलब जलवायु परिवर्तन का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छी अच्छी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उत्पादन जो प्रौद्योगिकी है वो इनको दी जाएगी, है ना। काफी जो इनका पूरा स्ट्रक्चर है, क्रॉप मैनेजमेंट है, उसको
डाइवर्सिफाई किया जाएगा और वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन सिस्टम है उसको भी बेटर किया जाएगा इस लोन के द्वारा। तो डिटेल में अगर मैं बात करूं, सो दिस प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में होगा जो काफ़ी ज़्यादा, जहां पर ड्रॉट मतलब सूखा पड़ता है, और ऐसे एरिया जो पूर्णतः आपका जो सिंचाई है उसके लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं, उन इलाकों में इस लोन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाएगा। इट विल बेनिफिट अबाउट 1,25,000 स्मॉल होल्डर फार्मर फॉर फ्रॉम 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा मैनेजिंग 1,28,000 हेक्टेयर ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। ये इन लोगों को इससे फायदा होने वाला है। दिस प्रोजेक्ट विल सपोर्ट द रिहेबिलिटेशन ऑफ द 532 वाटर टैंक। 532 वाटर टैंक जो है उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, और रिहेबिलिट द सपोर्ट द रिहेबिलिटेशन ऑफ द टैंक्स एक्सपेक्टेड टू इरीगेट 91,435 हेक्टेयर, प्रमोट द प्रोडक्टिविटी एंड इंप्रूवमेंट एट द फार्म लेवल। ये इसका क्या है पर्पज है। सो इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द मार्केटिंग फैसिलिटी, मार्केटिंग सपोर्ट टू द फार्मर हु आर नॉट एबल टू जनरेट अ मार्केटेबल सरप्लस, है ना, वो भी जो है यहाँ पर किया जाएगा। जिस किसान ने अधिक पैदावार किया है उसकी पैदावार को बेचने के लिए मार्केट एक्सेस भी उसको प्रोवाइड करेंगे। उन किसानों को विपणन सहायता प्रदान की जाएगी जो विपणन योग्य अधिशेष उत्पन्न करने में सक्षम है। मतलब अपना तो चलो 2 एकड़ जमीन है यार, 2 हेक्टेयर जमीन है, 2 हेक्टेयर जमीन में अपना तो गुजारा हो जाए वही बहुत है। आप बेचोगे का आप इतना ही प्रोड्यूस कर पाओगे जो आपके पास ओरिजिनल में आपका खर्चा चलेगा उससे। लेकिन अगर समहाउ इफ यू विल मैनेज टू प्रोड्यूस सम एक्स्ट्रा, तो ये जो है इसके द्वारा ऐसी फैसिलिटी भी यहां पर क्रिएट की जाएगी। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इट विल सपोर्ट द फार्मर टू रिड्यूस द करंट एम्फोसिस ऑन द फूड ग्रेन। जो ज़्यादा फूड ग्रेन उगाते रहते हो, गेहूँ चावल, उससे उनका जो डिपेंडेंस है वो कम किया जाएगा, और उनको बोला जाएगा कि आप हाई वैल्यू ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, जो मोर न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है, लाइक फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वो प्रोड्यूस करो। दूसरी बात क्या है, द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो सपोर्ट एक्वा कल्चर इन रिहेबिलिटेटेड टैंक्स, हेल्प्स फार्मर एक्सेस अफोर्डेबल एंड क्वालिटी फिंगरलिंग्स एंड डिसेमिनेट इंप्रूव्ड एडिक एक्वाकल्चर प्रैक्टिस। एक्वाकल्चर का मतलब समझते हो, तो ये जो है बेसिकली जो एक्वाकल्चर मतलब जहां आप मछली वगैरह पालते हो ना, उनके लिए भी ये आपका सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेना यार, पढ़ने का है ज़्यादा। तो एग्रीकल्चर अगर मैं उड़ीसा में बात करूँ तो इसकी कुछ समस्याएं हैं। रिसेंट ईयर में क्लाइमेट वेरिएबिलिटी वो बहुत इंप्रूव हुई है, वर्स हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चर, ये स्मॉल एग्रीकल्चर फार्म होल्डर जो हैं इनको समस्याएं रही हैं। वेयर फार्मिंग इज लार्जली डोमिनेटेड बाय द फार्मर विद लैंड होल्डिंग ऑफ लेस देन 2 हेक्टेयर। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास में जो लैंड है, उनकी जो कुल जमीन है वो 2 हेक्टेयर से कम है। चलिए, सो अगर मैं बात करूं, मोर एंड मोर एग्रीकल्चर एरिया आर कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। काफ़ी सारे जो एरिया हैं वो ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट के अंदर आते जा रहे हैं। 2009 से अगर मैं बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट जो है वो इंक्रीज हुई है, जो मैंने आपको बता दी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं भैया आपका। अगर मैं नेक्स्ट में बात करूं तो टुडे अबाउट 70% ऑफ टोटल कल्टिवेटेबल एरिया इज प्रोन टू ड्रॉट एज कंपेयर टू द 40% इन 1970। 1970 में सिर्फ 40% एरिया के ऊपर बाढ़, सूखा पड़ने की संभावना रहती थी, पर अब वो संभावना बढ़ के 70% हो गई है। अगर मैं बात करूं, इनफैक्ट 2013 में जो फ्लड के चांसेस हैं वो भी क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। ऐसे इलाके जहां पहले फ्लडिंग नहीं होती थी, अब वहां पर फ्लडिंग होने लग गई है। ड्राइयर एरिया आर प्रोजेक्टेड टू बिकम ड्राइयर। जो सूखे इलाके हैं ऐसा माना जा रहा है वो और सूखे हो जाएंगे। वाइल वेटर एरिया विल बिकम बेटर। जो गीले एरिया है वो माना जा रहा है कि और भी गीले हो जाएंगे, मतलब बारिश वहाँ ज़्यादा होगी, बाढ़ वहाँ ज़्यादा आएगी। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। आपको पता होगा ग्रीन हाउस गैस भी एग्रीकल्चर से 70% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर, टोटल ग्रीन हाउस गैस, ये एग्रीकल्चर जो है ये ग्रीन हाउस गैस का 17% जो है वो प्रोडक्शन करता है, और ये भी उड़ीसा के अंदर जो है काफ़ी एक बड़ी समस्या है। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन उड़ीसा, रेस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 25% ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन इन द स्टेट। एग्रीकल्चर अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा के कुल ग्रीन हाउस एमिशन का 25% जो है, परसेंट जो प्रोडक्शन है वो यहीं से आता है। आगे बात कर लेते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब भारत सरकार ने ऐसा क्या कुछ किया है, भारत सरकार जो है ऐसे क्लाइमेट
चेंज से अफेक्टेड जो चीज़ें हैं उनके लिए क्या भारत सरकार ने कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है। तो एनवायरनमेंट में भी मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार है ना वो भी एक अपने आप से अपने बिहार पर एक प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कुछ काफ़ी सारे मिशन हमने इंप्लीमेंट किया है किसके अंडर में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज। सो इंडियन गवर्नमेंट का एक नेशनल प्लान है ऑन द क्लाइमेट चेंज, उसके अंडर में भारत सरकार काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च कर रही है। द प्रोजेक्ट इन उड़ीसा इज वन अमंग सच प्रोजेक्ट्स, ये जो प्रोजेक्ट आप ये लेके आए हैं ये इन्हीं के तहत ऐसे ही प्रोजेक्ट के तहत एक प्रोजेक्ट है। सो आपको याद रखना है क्या, नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, नेक्स्ट कौन सा है आपका, दिस इज करतारपुर साहिब कॉरिडोर, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में था ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूज़ का बता देता हूँ। सो इंडिया ने और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके ऊपर दोस्तों, करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो कहाँ पर है, जीरो पॉइंट में इंटरनेशनल बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं डेरा बाबा नानक, वहाँ से और इंडिया तक, ये पाकिस्तान के अंदर है जो डेरा बाबा नानक है तो ये पाकिस्तान के अंदर है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तो इसके लिए इस करतारपुर साहिब पे जाने के लिए कॉरिडोर बनाया गया है ना अलोंग दी एलओसी, तो उसको एक उसके ऊपर आज जो है एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। सो सभी को पता है कि अभी साढ़े जो आपकी 500वीं बर्थ एनिवर्सरी हो श्री गुरु गोविंद नानक देव जी की, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिया और पूरे वर्ल्ड के स्केल पर। सो उसी के लिए ये भी एक काम किया गया कि जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है इसको इंडियन पिलग्रिम के लिए ओपन करा है और ये भारत सरकार और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक मिलकर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है इसके ऊपर साइन किया है। ऑन 22 नवंबर 2018 टू सेलिब्रेट द हिस्टोरिक ओकेशन ऑफ 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु नानक देव जी इन द ग्रैंड एंड बिफिटिंग मैनर थ्रू आउट द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, ये एक आपका प्रोग्राम जो है वो किया गया है ग्लोब और यूनियन लेवल पर अप्रूव्ड द बिल्डिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ करतारपुर साहिब कॉरिडोर और डेरा बाबा नानक टू द इंटरनेशनल बाउंड्री, ये जो है ये बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं हाईलाइट की बात करूँ, इस एग्रीमेंट की हाईलाइट की बात करूँ तो क्या होगा, जितने भी इंडियन पिलग्रिम हैं वो किसी भी फेथ से हों, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सिख हों, कोई भी धर्म से हो वो यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। यहाँ पर जब जाओगे तो ट्रैवल जो होगा वीज़ा फ्री होगा, बस आपको पासपोर्ट जो है वो लेके जाना अपने साथ में, पासपोर्ट रखना है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन जो PIO कार्ड होल्डर है वो अपना PIO कार्ड लेके जाएगा, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन नीड्स टू कैरी द OCI कार्ड, जो कार्ड है वो अपने साथ लेके जाएगा पासपोर्ट के साथ में। द कॉरिडोर इज ओपन फ्रॉम डॉन टू डस्क, सुबह से शाम तक ये ओपन रहेगा। पिलग्रिम ट्रैवलिंग इन द मॉर्निंग विल हैव टू रिटर्न ऑन द सेम डे, ऐसा नहीं कि आप वहीं रुक जाओगे, आपको सेम डे क्या करना पड़ेगा, वापस भी आना पड़ेगा। दिस कॉरिडोर विल बी ऑपरेशनल थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट ऑन द नोटिफाइड डेज टू बी इन्फॉर्म्ड इन द एडवांस, कुछ दिन छोड़ देंगे बाकी थ्रू आउट द ईयर ये आपका ओपन रहेगा। पिलग्रिम विल हैव अ चॉइस टू विजिट द इंडिविजुअल इन द ग्रुप एंड ऑल्सो टू ट्रैवल है ना, उनके पास ये चॉइस जो है वो रहेगी। इंडिया विल सेंड द लिस्ट ऑफ द पिलग्रिम टू द पाकिस्तान 10 डे अहेड ऑफ द ट्रेवल्स, कन्फर्मेशन विल सेंड टू द पिलग्रिम 4 डेज बिफोर द ट्रेवल डेट। द पाकिस्तान साइड हैज अश्योर्ड इंडिया टू मास्क सफिशियंट प्रोविजन फॉर द लंगर और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद, मतलब भरपूर मात्रा में प्रसाद भी आपको दिया जाएगा। राजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है, राजन सोच रहा है कि सर भंडारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ भाई भंडारा यहाँ पर है, आप जा सकते हो। मेन इश्यू क्या है, ये तो चलो चल ही रहा है भाई, ये तो एग्रीमेंट भी हो गया, लेकिन पाकिस्तान तो आपको पता है भुखमरी का शिकार हो रखा है ना, पैसा उसके पास है नहीं, इकॉनमी उनकी क्राइसिस में है, तो उन लोगों ने क्या किया है कि जो भी इंडिया से जाएंगे ना एक बंदे से वो $220 जो है वो फीस लेंगे। भारत सरकार मना कर रही है कि यार ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है, हम किसी भी धर्म के नाम पर कोई पैसा वसूल नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर एक $20 की सर्विस चार्ज जो है वो लगाया। अच्छा सर्विस चार्ज जो है वो लग सकता है, इंडिया के अंदर सर्विस जो है फी जो है वो हम लगा सकते हैं, ठीक है, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, बट टैक्स नहीं लगता। तो याद रखना ये भी एक सर्विस चार्ज है, ऐसे कोई टैक्स नहीं मांग रहे आपसे, पर व्यक्ति $20 वो मांग रहे हैं, मतलब लगभग एक व्यक्ति से ₹1500 वो ले रहे हैं। अगर आपको जाना है करतारपुर साहिब कॉरिडोर तो ₹1500 में, राजन जी कह रहे हैं जी ₹1500 में भंडारा मैं अपने यहीं खा लूंगा, मैं तो जा नहीं रहा हूं, मैं तो भंडारे की वजह से जा रहा था लेकिन अब नहीं जाऊंगा।
OCI जो है ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर, ये आपका होता है. क्या होता है ये, इसके लिए आपको पॉलिटी के अंदर पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी में सर आपको ये पढ़ाएंगे. सिटीजनशिप के अंदर ये एक वीडियो है दोस्तों, आपको मिल जाएगी, आप वाईफाई के चैनल पर सर्च करोगे तो. अच्छा, एक और काम किया गया है, वो क्या है, ये वन टच ए TVM जो मशीन है ये आपका मुंबई के अंदर काफ़ी जगहों पर लगाई गई है, है ना. ये क्या है, तो सेंट्रल रेलवे ने टिकट देने के लिए, फास्ट टिकट देने के लिए मिलियंस ऑफ द टू द कम्यूटर इंडियन सबर्बन नेटवर्क जो है, रेलवे के नेटवर्क जो है, वहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है. यहाँ पर आप सिर्फ दो प्रोसेस में, सिंगल वन टच है, आप दो बार इसमें कुछ कुछ करके ना आपकी टिकट बाहर आ जाएगी. पहले 6 बार में होता था, अब 2 बार में हो जाएगा, तो बस यही याद रखना है और कुछ भी यहाँ पर नहीं है. अच्छा, एक मैं बात करता हूँ, तो ये क्या है दोस्तों, दिस इज ग्लोबल बायो इंडिया 2009. ये क्या है, देखो इंडिया ना पहली बार इंडिया कोई बड़ा बायोटेक्नोलॉजिकल, फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी का इवेंट जो है वो होस्ट कर रहा है. तो एक कर्टिन रेजर इवेंट था जिसके इनॉग्रेशन के दौरान जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हैं उन्होंने ये चीज़ें जो हैं वो की हैं. ओके, सो जो ग्लोबल बायो इंडिया 2019 जो है ये एक लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर कॉग्लोमरेट जो है वो इंडिया के अंदर होगा. दैट विल बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया फ्रॉम 21st to 23rd of November 2019. पहली बार ऐसा बड़ा ग्लोबल बायो इंडिया 2019 ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिया में हो रहा है. बेसिकली इसका पर्पस क्या है यार, वो सब बातें बताऊंगा मैं आपका. सो इंडिया जो है पहली बार ऐसा कर रहा है, इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम होस्टिंग अ मेगा इवेंट फॉर द बायोटेक कम्युनिटी टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट. इसका पर्पस क्या है, पैसा चाहिए हमें, हम बायोटेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं. ठीक है, सो इंडिया जो है, इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इज होस्टिंग अ मेगा इवेंट फॉर द बायोटेक कम्युनिटी टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट, शोकेस द इंडिजिनियस स्ट्रेंथ एंड मोर इंपॉर्टेंटली फ्यूल टू होप द एस्पायरेशन ऑफ द इंडिजिनियस टैलेंट पूल. देखो इसका पर्पज क्या है यार, मेनली इंडिया जो है ना ये इसलिए कर रहा है, एक तो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट आए, है ना, बायोटेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट आए. दूसरा, जो हमारा इंडिजीनियस टैलेंट जो है या हमारे देश के लोग जो है उनको लगे कि यार हाँ भारत सरकार जो है कुछ अच्छा हमारे लिए कर रही है. जो मोर एफिशिएंटली, अगर मैं बात करूँ मोर इम्पॉर्टेंटली जो है ये इन्वेस्टमेंट और जो हमारी इंडिजीनियस स्ट्रेंथ है, हम भी इतने सक्षम है बायोटेक्नोलॉजी में, उसके लिए पूरा प्रोग्राम जो है वो टोटली डेडिकेटेड है. ऑर्गेनाइजर कौन है इसका, तो ऑर्गेनाइजर इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑर्गेनाइजर जो है वो कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसका नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC, ये लोग इनको मिलकर इवेंट कर रहे हैं. कुछ की डिटेल्स है इसके बारे में, वो क्या है, दिस इवेंट वुड बी द ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू शोकेस इंडिया स्ट्रेंथ एंड बिल्ड अ न्यू पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. भाई एक तो मतलब बहुत बड़ा हमारे लिए एक मौका है ताकि हम इंडिया भारत अपनी स्ट्रेंथ दिखा पाए और इंटरनेशनल लेवल पर हम अलग अलग देशों से पार्टनरशिप बना पाए और पैसा भी हम ले सके, इन्वेस्टमेंट जो है वो हम गार्नर कर सकें. बायोटेक जो है ये और भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी देखो दोस्तों मेक इन इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है और मेक इन इंडिया 2.0 के अंदर अगर मैं बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. नेक्स्ट हम देखते हैं, इंडियाज एम्बिशन फॉर द इवेंट इज टू शोकेस द स्ट्रेंथ इन द सेक्टर एंड लेट द वर्ल्ड नो. ये बताना है कि यार हम भी कम नहीं है, ठीक है, ये है. अगर मैं बात करूं इसमें बेसिकली 30 देश आने वाले हैं, 250 के आसपास स्टार्टअप इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, 200 एग्जीबिटर होंगे इसके अंदर, सेंट्रल स्टेट मिनिस्ट्री होंगी और अलग अलग मतलब लगभग कुल मिला के बहुत सारा पार्टिसिपेशन इसके अंदर होने वाला है. और बायोटेक्नोलॉजी जो है ना बेसिकली एक इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो भारत जो है अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाना चाहता है, तो उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि ये जो है इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करेगा. ठीक है, दिस इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन द इंडिजिनियस रिसर्च कैपेबिलिटी बायो एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ टेक्नोलॉजी अक्रॉस द रूरल वर्ल्ड Tier 2 and Tier 3 cities. मतलब टोटली बेसिकली इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन फॉर द बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, सो इसके लिए आपका ये टोटली क्या है दोस्तों, डिपेंडेंट है.
चलिए यार, ये आज का था आज की क्लास से दोस्तों इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एक काम करना है, देखो यार प्लीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, सभी लोगों को अपनी फेसबुक प्रोफाइल, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और अपने फेसबुक अकाउंट पर इसको क्या करना है, शेयर करना है। जितने भी ग्रुप में आप हो यार शेयर करो, दिस इज द ओनली थिंग वी वॉन्ट, यही तो चीज़ हम जो चाहते हैं, एंड दिस विल कीप अस मोटिवेटिंग ताकि हम ये काम आपके लिए लगातार करते रहें। सो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप ये करेंगे। सो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो यार कौन कौन करेगा, और जो भी ये करता है आप उसका फोटो स्क्रीनशॉट लेके ना मेरे को मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर मेरे साथ आप शेयर करोगे, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आप ये काम करोगे। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं यार। फिर मिलेंगे दोबारा इस एक नए करंट अफेयर के सेशन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मजे लीजिए और जिंदगी से तनाव हटा दीजिए। जैसा मैं बोल रहा हूं अगेन, हैप्पी दिवाली टू ऑल, और इस साल पटाखे मत जलाना, जलाने के लिए बहुत सारी चीज है, जलाना है तो पड़ोसी को जलाओ, जलाओ नहीं मतलब पड़ोसी, समझ रहे हैं आप, ठीक है। जलाना है तो बॉडी का फैट जलाओ, जलाना है तो राजन जी कह रहे हैं सर दीपक जलाओ, तो ये जलाओ बट पटाखे मत जलाओ। ओके सो गाइज, मिलते हैं दोबारा से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।